हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एक्सपेरिमेंट वीडियो। गाइस, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो होने वाला है 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर। गाइस, अगर आपको नहीं पता है ये 9 वोल्ट की बैटरी मैंने कहाँ से ली है तो मैं बता दूँ, 9 वोल्ट की बैटरी मैंने क्लैंप मीटर के अंदर से निकाली है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देखना, उसमें से मैंने ये 9 वोल्ट की बैटरी निकाली है। आपको ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उसमें से मिल जाएगा, तो आज हम इसी बैटरी को खोल के देखने वाले हैं कि इसके अंदर होता क्या है। वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करो तो ही अच्छा है। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हो ये 9 वोल्ट की बैटरी है फॉर ट्रांजिस्टर रेडियोस। इस पे लिखा हुआ है, जनरल पर्पस लिखा हुआ है, मतलब ये रेडियोस वगैरह में भी यूज़ होती है। ये हमारा माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है, आप देख सकते हो। और इस पे लिखा है 0% मर्क्यूरी, 0% कैडमियम, मतलब कि इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ध्यान से इसको खोलना है और इसको हम लोग ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको खोलने का ट्राई करते हैं और देखते हैं इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से मटेरियल अंदर है। लगता है ये मेटल की केसिंग है, उसको संभाल के खोलना होगा, नहीं तो अंदर का कुछ डैमेज हो जाएगा तो अपने को पता नहीं चल पाएगा। तो इसको हम लोग आराम से अच्छे से खोल देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये खुल चुका है, तो ये मेटल का शीट हम लोग हटा लेते हैं। ये बैटरी, मैं बोल रहा था, ये ख़राब हो चुकी है, तो आप देख सकते हो बैटरी पूरी ख़राब हो चुकी है और इसके कवर में जंग लग गई है, मेटल के कवर में, तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये कैसा, इसमें ये लगता है 1 2 3 4 5 6 सेल्स हैं इसमें और ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। और देखो ये निकल भी गया, ये निकल गया। ये जो नीचे वाला है वो पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इसको भी हम लोग खोल के देखेंगे इसके अंदर कैसा है। तो ये मेटल का शीट, इस पे ऊपर वाला जो था वो निगेटिव टर्मिनल इस पे चिपका हुआ था और नीचे पॉजिटिव टर्मिनल था, उसके लिए ये ब्लेड गई हुई थी, ये ब्लेड नीचे से पॉजिटिव टर्मिनल ले रही थी और ये तीनों सेल्स सीरीज़ में कनेक्टेड है, ऐसा मैंने बताया ही आपको। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है अभी। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेड ली और इसको ओपन करते हैं। ये जो प्लास्टिक का पैक होता है उसमें पैक कर दिए हैं। लगभग खुल ही चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये ऐसे छोटे छोटे बैटरी पैक हैं इसमें। ये निकल चुका है, ऐसे छोटे छोटे बैटरी पैक हैं अंदर, ये देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे बैटरी पैक हैं, देख लो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड थे। और ये चूंकि 9 वोल्ट की बैटरी है, मुझे ऐसा लगता है ये 6 सेल्स हैं, तो एक सेल 1.5 वोल्ट का होगा, क्योंकि 6 सेल से तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 15 60 90 होता है, तो 9 वोल्ट हो गया, तो एक सेल हमारा 1.5 वोल्ट का है। और इसके अंदर कार्बन की कुछ परतें, चूंकि ये बैटरी रिचार्जेबल नहीं होती है तो इसको वन टाइम यूज़ ही कर सकते हैं, कुछ बैटरीज आती हैं वो रिचार्ज कर सकते हैं हम। तो अभी हम लोग इस छोटे से सेल के अंदर देख लेते हैं ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है। फ्रेंड्स जो ये छोटी वाली बैटरी है इसके, ये भी प्लास्टिक के कवर में है बंद, और ये पानी जैसा हो गया है, कोई मटेरियल है आप देख सकते हो, ये गीला गीला है बैटरी का, और देख सकते हो आप ये गीला गीला हो गया है, क्योंकि ये बैटरी ख़राब हो चुकी है तो शायद इस वजह से गीला हो गया है। और ये भी छोटे छोटे बैटरी पैक्स में आए हुए हैं, ये कवर में आए हुए हैं।
कैसी लगी आपको वीडियो, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए कि क्या इनसाइड कौन से इक्विपमेंट के अंदर क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो गाइस, आज की हमारी एक्सपेरिमेंट वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी एक्सपेरिमेंट वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हम डेली नई नई एक्सपेरिमेंट वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए।